और खुशखबरी ये है कि हमारे रजत जी की शादी तय हो गई है। इस लड़की से इनकी शादी होने जा रही है, उसका लल्लन टॉप पे इंटरव्यू भी हो चुका है। जिस दिन रजत की शादी होगी उस दिन इवनिंग शिफ्ट नहीं रखेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खबर है, इसलिए मिठाई है। तो भैया ये पका हुआ गुड़ है मेवा के साथ, तो ये मैं आप लोगों को खिलवाना चाहता हूँ। बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से खाया जाएगा गुड़ ये, ठीक है। और खुशखबरी ये है कि हमारे रजत जी की शादी तय हो गई है। जिस लड़की से इनकी शादी होने जा रही है उसका लल्लन टॉप पे इंटरव्यू भी हो चुका है, और आप में से ज्यादातर लोग उसको जानते भी होंगे। उसका नाम है ब्रेकिंग न्यूज। अब यहाँ पे मैंडेटरी एक ट्रेन पे लेक्चर, निखिल आगे आओ। मैं तो यही हूँ। आगे आओ, अरे आगे आओ भाई। तो मैं चाहता हूँ कि अमितेश जी आगे आइए। तो मैं चाहता हूँ कि जो नौजवान पीढ़ी है वो इससे प्रेरणा ले हैं, और इस बरस हम लोगों को खूब सारा गुड़ खाने को मिले है। मनीषा क्या बड़ी जोर से तुमने हाँ की है। तुमको अभी करियर पे ध्यान देना है। मैं भी दूंगा सर। करियर पे ध्यान दे रहे हैं और इन सब चीजों पे ये होगा सर, ये भी होगा। 2024 29 भी हो सर। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, ये गुड़ है और बहुत ही इसको सम्मानजनक ढंग से खाया जाएगा, ठीक है। और 5,000 रुपये का फाइन होता है वर्क स्टेशन पे और न्यूज रूम में खाने का, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। तो टोटल लोगों के हिसाब से 50 का गुणा करके देख लेना, ठीक है। मैं तो जाता हूँ सैटरडे को शादी होनी चाहिए, किसी की भी हो सैटरडे होनी चाहिए, ताकि संडे मिले। हाँ थक जाते हैं ये 50 लोगों के सामने बोला है उस दिन, हाँ जिस दिन रजत की शादी होगी उस दिन इवनिंग शिफ्ट नहीं रखेंगे। बाकी मैं निखिल, श्वेतांग, सोमशेखर आदि को बता दूं कि रजत की शादी सूफी शादी होती है, उसमें रस रंजन का प्रबंध नहीं होता है, कारों के बोनेट पर भी नहीं होता है और भीतर भी नहीं होता है। और वहां पे एक जिसकी स्प्रिंग रोल्स जिसको खाने अच्छे लगते हो वहाँ 51 तरह के स्प्रिंग रोल्स बनेंगे। इतना सब तय हो चुका है। क्या बोला तूने? चलिए आप सब लोग रजत जी को खूब शुभकामनाएं दीजिए। अब सब रजत को यहाँ पे कंग्रेचुलेट करते हुए, आप नहीं जा रहे हैं? जाइए कतार। मुझे पहले लगा था प्रैंक कर रहे रजत के साथ। रजत इस ब्लॉग का टाइटल ही मेरे ये बुजुर्ग जिंदगी मुबारक हो बेटे। थैंक यू। जिंदगी मुबारक हो, अब पता चलेगा गाड़ी माली ने इंतजार कर। जिंदगी मुबारक हो तुम लोगों को। फिर से गिला।
ये कहाँ जा रही है? ये मेरे पेट में जा रही है। मोहन इतना अच्छा बच्चा है, जलेबियाँ ठंडी हो गई है, गरम करने जा रहा है। ये सिर्फ अपने लिए गरम करो, ये पूरा मैं खाऊंगा। पर यहाँ पर कुछ लोग इसे गरम होने का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं, इतनी भूख लग रही है लोगों को। गरम भी नहीं होने दिया। अच्छा आप वीडियो कॉल पे क्या कर रहे हैं? ये बिना गरम हुए जलेबी नहीं, फोन में क्या कर रहे हैं? वीडियो कॉल पे पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस यहाँ। बढ़िया, ये सब यहाँ पे हाथ में जलेबी और समोसे लिए दिखाई देंगे। क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा कुछ हो गया कि मैं बता नहीं सकता। ये देखिए, इंतजार भी नहीं हो रहा, रजत तक नहीं है यार, जिसके लिए आज सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन उसका भी इंतजार नहीं। मुबारक सर, कम से कम रजत का तो इंतजार कर लेते। देखिए, रजत ने हमारा इंतजार किया जाने से पहले। तो यहाँ पर रजत ने ये पार्टी दी है, ये ट्रीट दी है शादी तय होने की खुशी में। हालांकि डेट नहीं आई है, लेकिन स्टिल समोसे और जलेबी खाते हुए सारे के सारे लोग। ये जेडी तुम नहीं खा रहे हो? आएंगे आराम से। हम सम्मान करते हैं बुजुर्गों का, सर का इंतजार कर रहे हैं। सर हैं कहाँ? किसी को नहीं छोड़ना है, सबको दिखा दो किसने रखा है। पहले ब्लॉग में इमरती के साथ भी बेची चटनी खाते हुए दिखे थे, अब अच्छा समोसों के साथ खा रहे हैं। आज आप सही तरीके से चटनी खा रहे हैं बेची, वेल डन। इसको मैंने बोला आते समय कि चलो, मैं लेट हो गया, मतलब तो मैं अपनी प्लेट बना ले रखता। भाई हरी वाली चटनी कहाँ है? मेरे से गलती हो गई, लेट हो गया। जलेबी तो मैं खाऊंगा, कैमरा बंद होने दीजिए। नहीं नहीं गरिमा, ये जो आप हमेशा कैमरे के पीछे रहती है ब्लॉग में, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आज आप पीछे से ये भी बताओगे कि कैमरा कैसा रखना है? अपने ब्लॉग्स की कितनी चिंता है लड़की को, कैसा लग रहा है अपने ही ब्लॉग में खुद को फीचर करते हुए? बहुत बढ़िया लग रहा है, पहली बार किसी ने ये चिंता की है कि मैं अपने ब्लॉग में खुद फीचर हो जाऊं। थैंक यू मारो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे नहीं सर, आप भी जलेबी। अरे तो हमसे रजत ने बोला कि अभी उनकी होने वाली अर्धांगिनी का नाम रिवील ना किया जाए, तो हमने उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए आपको नाम नहीं बताया है, क्योंकि आप हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। तो हमने सोचा कि हमारी ये खुशी हम आपके साथ साझा करते हैं, और जल्द ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन है रजत की होने वाली अर्धांगिनी। तब तक हमारे इन ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि ये मज़े और लोग भी ले सकें, और ललन टॉप शॉर्ट्स एंड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।